हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब एंड माय सेल्फ अंशुल धीमान। सो फ्रेंड्स, आज की मेरी इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए हमेशा की तरह मेरे जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वीर गाथा प्रोजेक्ट आपका जो कि थर्ड वाला 2023 से 24 सेशन का आ चुका है, तो उसका आपका ये टॉपिक लेकर आई हूँ जो हमारे क्लास थर्ड से फिफ्थ तक के स्टूडेंट्स के लिए है। इससे पहले मैं सेम टॉपिक पर आपको प्रोवाइड करा चुकी हूँ, मिता जी से रिलेटेड जो कि है वो फीमेल से रिलेटेड था, हमारी गैलेंट्री अवार्ड विनर, और ये है हमारा मेल से रिलेटेड जो कि विक्रम बत्रा जी से रिलेटेड है। इनकी मूवी भी आ चुकी है 2021 में, शेरशाह, आपने देखी होगी, तो मुझे लगा कि इनसे जो है थोड़ा ज़्यादा आपको इनके बारे में नॉलेज होगी, तो मैं इसी टॉपिक पर लेकर आई हूँ। अगर आपको किसी और गैलेंट्री अवार्ड विनर से रिलेटेड चाहिए तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। वैसे हमने लास्ट ईयर भी इन्हीं से रिलेटेड देखा था, बस उस वाले ऐसे में और इस वाले पैराग्राफ में जो है बहुत डिफरेंस है। सो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। हमने लिखा है, गैलेंट्री अवार्ड्स आर गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ऑनर द एक्ट्स ऑफ ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेज एंड सिविलियंस। जो गैलेंट्री अवार्ड है ना, वो दिया जाता है, किनको दिया जाता है, मतलब इंडिया की सरकार के द्वारा ऑनर करने के लिए जो है ब्रेवरी यानी कि वीरता के लिए और त्याग सेक्रीफाइस के लिए इंडियन आर्म्ड फोर्स को और सिविलियंस को दिया जाता है। वन ऑफ माय रोल मॉडल इज कैप्टन विक्रम बत्रा हु वाज अवार्डेड द परमवीर चक्र। इनको किससे नवाजा गया था, परमवीर चक्र से, इंडियाज हाइएस्ट मिलिट्री ऑनर ऑन 15 अगस्त 1999, यानी कि 15 अगस्त 1999 को इनको जो है परमवीर चक्र से नवाजा गया था। I am highly inspired by the Vikram Batra as he was fearless and courageous and always ready to serve his nation. मैं बहुत ज़्यादा उनसे inspired हूँ, क्योंकि वो क्या थे, अपने जो है बहुत ज़्यादा निडर थे और करेज था उनका, किसके लिए, always ready थे अपने nation के लिए, अपने देश के प्रति अपनी जो है पूरा जो है 100% देने के लिए। His helpful nature and bravery inspire me to do a lot. उनका जो हेल्पफुल नेचर है और उनकी जो ब्रेवरी है वो मुझे इंस्पायर करती है, किस लिए, ही सेक्रीफाइज हिज लाइफ वाइल ही वॉज बैटलिंग कोरेजियसली इन द कारगिल वॉर फॉर सेफ गार्डिंग द नेशन। उन वो कहाँ पे मतलब सेक्रीफाइस की उन्होंने अपनी लाइफ, जब वो जो है कारगिल वॉर में मतलब बैटल कर रहे थे सेफ गार्डिंग द नेशन, अपने देश को बचाने के लिए। ही अर्न द विक्ट्री इन द कारगिल वॉर बाय बैटिंग विद हिज स्ट्रेंथ एंड लीडरशिप एबिलिटीज। इंस्पिरेशन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। जो ये इंस्पिरेशन है ना, ये एक बहुत ही पावरफुल फोर्स है। देयर आर वेरियस सोर्सेज फॉर लुकिंग फॉर अदर लुक्रेटिव करियर्स, बट इट टेक्स करेज टू ज्वाइन द आर्म्ड फोर्स। यानी कि बहुत ही ज़्यादा करेज चाहिए आर्म्ड फोर्स को ज्वाइन करने के लिए। लाइक हिम, और उनकी तरह, एंड लाइव अ लाइफ ऑफ ऑनर, और अपनी जो है लाइफ को ऑनर के साथ जी है उन्होंने। दोज हु चूज द लाइफ ऑफ अ सोल्जर, यानी कि वो लोग जो एक मतलब सोल्जर की लाइफ को, जिंदगी को चुनते हैं। चूज टू लाइफ विद डिग्निटी बॉर्न बाय ऑनेस्टी एंड इन अनवेवरिंग सेंस ऑफ ड्यूटी। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा पैराग्राफ। आई होप ये आपको बहुत पसंद आया है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई कम्प्लीट वीडियो। अब गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स मुझे देना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उससे मैं भी थोड़ी मोटिवेट हो जाती हूँ कि हाँ भाई, आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और मेरी जो मेहनत है वो भी आपके लिए काम आ रही है, और मुझे अच्छा लगता है आपकी हेल्प करके। और जो है अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स दीजिए, और अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए, वैसे तो मैं और टॉपिक्स भी अभी अपलोड करने वाली हूँ, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, गुड लक फॉर योर प्रोजेक्ट, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग।